रुला के जाएगा। साइन के ही रही थी, लाड़ करोगे आखिर में रोओगे। हाँ बकरे को जेलेस फील हो रही है। बकरा बोल रहा है हानियों को क्यों लिया मेरे को लो। ये देखो वो पास आ रहा तुम्हारा। ऐसे मेरे पास आके बैठ गया अभी। हाँ अभी वो अम्मी के पास आके बैठ गया और लाड़ करवा रहा था ना अम्मी। ये दाना बर्तन में रख दो तो नहीं खाता, पर अपने हाथ से खिलाओ। रुला के जाएगा ये। साइन के ही रही थी, लाड़ करोगे आखिर में रोओगे। हाँ और ये हमारी हानिया अप्पी, अम्मी ने इसका नाम रख दिया हानिया अप्पी क्योंकि बकरे की अप्पी है हानिया ना। इसको अप्पी बोलूंगी मैं, हानिया अप्पी है ना हानिया अप्पी। ये बकरे के दाने से यहाँ पर खेल रही है। क्या कर रहे हो? मम्मी के दाने को। हाँ बोलो खिला दो मम्मी को। चाची ने पप्पी ले ली। कहानिया ये लो, बस इसका एक काम रह गया, डब्बे में से अनाज निकालो दाना निकालो बस। लो मुझे दे, वो इस पे रखेगी लाके। ये देखो ये क्या कर रहे हो हानिया? ये सब तो अभी मैं आ चुका हूँ, मैं मेमे को लेकर छत पे सुसु वगैरह कर लेगा ये। वैसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप मिस को घुमाने क्यों नहीं जाते हो बाहर, तो बात ये है कि यार सबसे मेन पॉइंट हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है, और दूसरी बात ये कि हमारा जो एरिया है यहाँ पर मुस्लिम्स बहुत कम है, इसलिए हम बाहर नहीं जाते यार। बाहर ग्रुप्स में जाओ ना तो अच्छा लगता है, दो चार बकरे और हो साथ में तो मज़ा भी आता है घूमने में, एक फ़न की चीज़ है ना वो भी, तो उसमें मज़ा आता है। और हमारी माशाल्लाह छत इतनी बड़ी है कि हमारे छत पे ही अच्छे से घूम लेता है ये, इसको छत पे हम डेली लेके आते हैं तो छत पे ही घूम लेता अच्छे से, तो बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे घर में बच्चे होते थोड़े बड़े वाले तो वो ज़रूर लेके जाते इनको बाहर, पर यहाँ तो हमें देख रेख भी हमें ही करना है इनकी, और काम भी हमें ही करना है, और घर की चीज़ें लेने भी हमें ही जाना है, तो टाइम की बहुत कमी हो जाती है। हमारे घर के सामने रहते हैं लेकिन इनका जो मेन घर है, इनके जो बड़े रहते हैं वो रहते हैं रतलाम में, तो इनकी कुर्बानी रतलाम में ही होती है, तो ये ईद मनाने रतलाम में ही जाते हैं, वहीं पर इनके बड़े रहते तो वहीं पर बकरे आते हैं इनके और वहीं पर कुर्बानी होती है, तो ये भी नहीं लेके आते। अगर ये भी लेके आ जाए तो हम साथ में निकल ले, थोड़ा फन हो तो मज़ा आएगा। बाय द वे इन कबूतर्स को देखो कैसे लाइन से बैठे हुए सब के सब, इतने सही लग रहे हैं। क्या कर रहा है मेमे? ये नहीं खाएगा बेटा, वो अब वो सूख गई पूरी, खराब हो गई। अरे अरे हानिया के हाथ की सूखी हुई भी खा ली। हानिया आपकी की बात सुनता है वो है ना, क्यों आपकी बात सुन लेता है ना। इधर देखो भाई, ये है गिलकी का पेड़, और इसके अंदर गिलकी का नहीं पौधा, पौधा जो भी है, का है गिलकी तो का है? ये गिलकी का ही तो पौधा है। तुम बोल रही गिलकी उग गई? गिलकी उग गई मतलब गिलकी का रोपा जो है वो निकल गया, पौधा उग गया यूं। हाँ। अच्छा मेरे को लगा गिलकी निकल गई इतने समय से, मैं वही कंफ्यूज हो गया। 3 महीने बाद आती है, 2 महीने हो जाएंगे ना तब फूल आने लग जाएंगे, और फिर वो इसको 15 दिन लगेंगे बनने में गिलकी। वही सोच में पड़ गया एकदम, गिलकी कहाँ से होगी? क्या लेना? क्या ब्लू? हाँ ये ब्लू है, पर ले कुछ और आप, ये खाने का नहीं है, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, छोड़ दो, खत्म हो गया खत्म। अरे कुमार ये बबल्स पिलाने का है, खाने का नहीं है, कुछ और ले लो। रही सही कसर बाकी थी तो भाई बारिश हो गया, कीचड़ हो गया, तो ऐसे में और बकरों को घुमा नहीं पा रहे। छत ही बढ़िया अपनी। क्या करोगे आप इससे? गुब्बारे फैलाओगे?
बबल्स बनाओगे इसके? बबल्स क्या कर रहे हो रे? छोड़ो, अबे रोको ना तुम। लाते से ही हानिया ने पूरा ढोल दिया नीचे, पूरा गिरा दिया। यहाँ पे भी गिर गया, यहाँ पर भी गिर गया, खाली हो गया। तो अब नहीं फूलेगा, आपने गिरा दिया उसको। ओ निकल गया, निकल गया, गिरा। अब करो, निकला 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 निकला। ये आपने गिरा दिया, कितना सारा था उसमें, अब नहीं होगा वो। ओ हो गया, हो गया। चलो भाई अब अपन नहाएंगे। नहाने के लिए सबसे पहले कपड़े लेना है। ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया आज के टाइम कपड़े चूज करना, क्योंकि मौसम का समझ ही नहीं आ रहा है। कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडा लगता है, तो कपड़े उस हिसाब से चूज करना रहते हैं। और आज तो जुम्मा ही है, तो आज टी शर्ट वगैरह तो नहीं पहनूंगा मैं, शर्ट ही देखूंगा। टाइम हो गया, ये शर्ट नहीं पहना था, तो आज यही पहनेंगे प्लेन। A few minutes later. चलो जी, नहाना सारा हो गया है, डिनर सॉरी लंच भी हो गया है, और अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने। तो जी अभी नमाज हमने पढ़ ली, अब हम जा रहे हैं विद्युत विभाग यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में कह लो, वहाँ पर हमारा बिल जो आया है बिजली का, उसमें कुछ करेक्शन करवाना है, तो वही करवाने के लिए जा रहे हैं। आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी विभाग का ऑफिस, चलते फटाफट करेक्शन करवाते हैं। चलो भाई, करेक्शन का काम अपना हो गया है, अब चलते सीधा घर। चलो जी घर आ गए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ हमारे बिल में क्या करेक्शन हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारा बिल, और ये मीटर कंजप्शन देख लो 350 है, और यहाँ पर टोटल यूनिट्स देख लो 418 है। तो जब हमारा मीटर कंजप्शन 350 है, तो हमारी टोटल यूनिट 418 कैसे हो गई, वो समझने के लिए हम गए थे विद्युत विभाग में, और उन्होंने हमें समझा दिया कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली मीटर चेंज करवाया था, तो 350 नए मीटर की रीडिंग है, और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द रीडिंग है वो पुराने मीटर से इसमें जोड़ी गई है, इसलिए टोटल 418 यूनिट बनी हमारी, और टोटल बिल हमारा आया है 3703 का बिल आया हमारा टोटल। अगर लेट हो जाते हैं हम तो 3749 हमें पे करना होगा। तो बस यही छोटी सी चीज़ हम समझने के लिए गए थे। और इसी के साथ हमारा टैंकर आ चुका है, हमारा पानी ख़त्म हो गया था तो टैंकर बुलवाना पड़ा। अब अपनी होदी भरा रही है, हम सोच रहे हैं कि ये टंकी को पहले भर ले, ताकि अगर टैंकर में पानी बच जाए तो वो वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ और हम टंकी भर लेंगे। फिर लगा दो फिर ढक्कन इसका। कितने में आया? 600 का टैंकर हो गया अभी, गर्मी शुरू हुई थी जब 500 था, अब 600 का हो गया। तो सारे काम ख़त्म करके अब हम आ गए स्टूडियो में वीडियो शूट करने के लिए। शाम के 6 बज गए भाई, सारे काम ख़त्म करते करते। सुबह से अब तक अभी मतलब अपने फाइनेंशियल वर्क कुछ नहीं किया है, सारे घर के कामों में ही 6 बज गया। तो बताना दोस्तों आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।